हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पायल गणात्रा। और आज है संकष्टी, तो आज मैं स्पेशल व्लॉग बना रही हूँ एक ऐसे आंटी के साथ जो बहुत ही यम्मी फूड बनाते हैं। कभी ऐसा होता है कि आज खाना बनाने का मूड नहीं है और होटल का भी नहीं खाना है, कुछ हेल्दी खाना है, तो हम लोग ये आंटी के पास से कभी कभार महीने में या फिर 5 मंथ्स में 2 बार या ऐसा कभी मंगा लेते हैं। तो आज वो आंटी को मैंने बुलाया है और उनको आज मैंने ऑर्डर दिया है सुरती उंधियू, जो वो आंटी बहुत ही टेस्टी बनाते हैं। एंड मैं आपको उनके साथ जब मैं वार्तालाप करूंगी तब मैं उन आपको बताऊंगी कि कितने रीजनेबल प्राइस में और इतना यमी फूड बनाते कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो हम लोग उनके साथ बातचीत करेंगे और समवॉट लाइक छोटा सा इंटरव्यू जैसा या फिर ऐसी कैंडिड चिट चैट करेंगे वो आंटी के साथ। तो प्लीज़ बने रहना ये वीडियो में। मैं अभी बनाने जा रही हूँ साबूदाना की खिचड़ी, उसका एक छोटा सा ग्लिम्स दिखा देती हूँ। रेसिपी तो ऑफ कोर्स मैं नहीं शेयर करती हूँ क्योंकि मुझे वो नहीं कंफर्टेबल होता है। मुझे ये व्लॉगिंग और ऐसी चैलेंजेस और ये सभी पसंद है शूट करना, तो बने रहना ये वीडियो के साथ। एंड क्या बोलते हैं, हैप्पी संकष्टी। ओके, लेट्स गो। इंट्रोड्यूसिंग दक्षा आंटी, दक्षा टैंक नाम है इनका। तो मैं इन्हीं के बारे में आज आपको सुबह को बोल रही थी कि जैसे ही ठंडी शुरू हो जाती है, मैंने अभी आपको क्लोजअप में दिखाया, ये है सुरती उंधियू और ये है स्पेशली संकष्टी है तो गणपति बापा के फेवरेट लड्डू, मैंने अभी जस्ट आपको दिखाया। मैं आज आपको इनसे मिलवाने का मेरा एक बड़ा रीज़न ये है कि मैं चाहती हूँ कि इनको मैं मतलब आप सबसे पहचान कराऊं, क्योंकि ये बहुत डिज़र्व करते हैं। ये बहुत ही अच्छा यम्मी टेस्टीएस्ट खाना बनाते हैं और मैं आपको बता सकती हूँ कि ये इतना रीज़नेबल प्राइस में, क्योंकि अभी मुझे थोड़े दिन पहले पता चला कि बाहर जहाँ पे ये फॉर एग्ज़ाम्पल की बात है सुरती उंधियू बाहर कोई 1,800, 700, 900 में 1 kg अगर बेचता है, तो ये आंटी सिर्फ 450 में पूरा 1 kg इतने हाइजीनिक के साथ और इतना यम्मी बनाते हैं ना कि मुझे बहुत मन किया कि मैं इन्हें बोलूँ कि आज आप प्लीज़ मेरे घर पर आइए और प्लीज़ मेरे साथ एक छोटा सा चिट चैट कैंडिड कीजिए मेरे व्यूअर्स के साथ, क्योंकि मुझे बहुत ऐसा मन है कि आप लोग प्लीज़ ये अपॉर्चुनिटी मिस ना कीजिए और इनके हाथ का कुछ ना कुछ कभी ना कभी प्लीज़ एक बार ऑर्डर करना। आप देखो आजकल सब लोग होटल्स और ये सब तो बताते ही हैं, सबके किसी के फेवरेट भी रहते हैं, कोई किसी से टिफ़िन मंगाता है, कोई किसी से चाट मंगाता है, पार्टीज़ होती है घर में तो कोई किधर ना किधर मंगाता है। तो आप प्लीज़ इनके साथ एक बार कांटेक्ट में आइए और प्लीज़ इन्हें ये ज़रूर आप इनका टेस्ट करना। हालांकि इन्हें ज़रूरत नहीं है मतलब, लेकिन मुझे पसंद, मुझे चाहिए था कि आप सब लोग इनके कॉन्टैक्ट में ज़रूर आइए। थैंक यू सो मच हमारे लिए वो टाइम निकाल कर आए, हालांकि वो इतने बिजी रहते हैं, उनके इतने ऑर्डर्स रहते हैं। तो मैं चाहूँगी कि वो अपने साइड से कुछ आपके साथ बात करें, मेरे व्यूवर्स के साथ आप प्लीज़ बात कीजिए। हाई, आई एम दक्षा टांग। मैं पूरा फास्ट फूड बनाती हूँ, मतलब पाव भाजी रहता है अपना या फ्रेंकी रहता है, चीज़ का कोई भी आइटम रहता है या टिफ़िन सर्विस रहता है या पार्टी ऑर्डर्स रहते हैं, जैसे अपना रहता है कि कुछ गुजराती फूड, गुजराती, हाँ गुजराती फूड है, पंजाबी फूड है, कटलेट का सब ऑल टाइप्स फास्ट फूड रहता है, चाट्स रहता है, सब मैं प्रोवाइड करती हूँ और एकदम हाइजीनिक, एकदम क्लीन और नीट रहता है, मतलब
यस हम लोग लास्ट आई थिंक जहाँ मैं मतलब पुराना सोसाइटी में हम जा रहते थे वहाँ पे ईच एंड एवरी बडी हम लोग वहाँ पे एवरी मंथ पार्टीज या करते थे तो हमेशा इनके साइड से हम रगड़ा पेटीज है मिसल पाव है जो भी हम मंगाते थे तो उसमें हमें मतलब कभी कभी कैसे होता है ना आंटी हम लोग किसी का खाते तो किसी का तेल और हाँ. वो हमें गले में चुभता है लेकिन आपका ये कभी कंप्लेन नहीं हुआ है. और मैं आपको बता दूँ फॉर एग्जाम्पल एक रगड़ा पेटीज अगर हमने इनसे ऑर्डर किया तो एक प्लेट अगर हम बाहर मंगाएंगे तो वो कितना महंगा पड़ता है और दूसरा कि और पता नहीं वो ऑयल वॉयल कैसे यूज़ करते हैं लेकिन दूसरा अगर हम घर में बनाएंगे तो एज अ बहू हम लोग को इतनी सारी चटनीज ये वो पूरा दिन उसी में चला जाता है. तो आंटी हमें इतने रिजनेबल प्राइस में पर प्लेट के हिसाब से इतना अच्छे से मतलब अगर 10 प्लेट्स है या 20 प्लेट्स है तो प्रॉपर ग्रीन चटनी मीठी चटनी लहसुन की चटनी सब प्रॉपर अलग अलग पैक करके और क्वांटिटी की कोई कमी नहीं रहती है yeah. है ना ये मैं हमेशा इन्हें मतलब बोलती हूँ कि आप 1 kg अगर हम फॉर एग्जांपल ये 1 kg उंधियो है तो वो हमेशा एक चम्मच एक्स्ट्रा ही डालेंगे बहुत दिल से देते हैं. और सीरियसली आप प्लीज़ आपका जो भी कॉन्टैक्ट्स रहेगा या जो भी रहेगा मुझे फॉरवर्ड करना okay. मैं आपको वीडियो के एंडिंग में वो भेज दूंगी. आप ज़रूर वो कॉन्टैक्ट नंबर सेव करके रखना और अगर नेक्स्ट टाइम आपके घर में ज़रूर कुछ पार्टी या कुछ रहेगा तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट दक्षा आंटी. और ये उंधियू मैं अभी टेस्ट करती हूँ हालांकि okay, मुझे okay. तो पता है ये कितना टेस्टी है लेकिन अपने व्यूवर्स के साथ मैं टेस्ट करती हूँ. और जो गुज्जूस है और जो नॉन गुज्जूस है वो भी प्लीज़ इन्हें ये विंटर सीजन में ज़रूर एक बार ऑर्डर करना. आई एम श्योर एक बार वो लोग ऑर्डर करेंगे ना बार बार मंगाएंगे. ये देखिए यहाँ पे मुठिया कितना मस्त है मुठिया एकदम सॉफ्ट मतलब जैसा चाहिए वैसा ही है. बहुत बहुत टेस्टी है मैं तो फैन हूँ. थैंक यू सब वेजीज सारे वेजिटेबल्स सब कुछ इतने परफेक्टली डाले हैं. ऑयल बहुत ज़्यादा भी नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है बिल्कुल ड्राइनेस नहीं है एकदम सुपर बना है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. और ये लड्डू भी मैं आप लोग के लिए टेस्ट करूँगी. ये देखिए बहुत घी भी नहीं हाथ में आ रहा है लेकिन जैसा चाहिए वैसा परफेक्ट है ड्राई नहीं है ड्राई नहीं है. जो लड्डू में घी और जो सब्जी में ऑयल डालते हैं ना वो एकदम बेस्ट वाला घी रहता है एकदम बेस्ट वाली क्वालिटी में. तेल का भी यूज़ करती हूँ मसाला रहेगा या और कोई सब्जी भी रहेगा एकदम बेस्ट रहेगा वही मैं प्रोवाइड करती हूँ सबको. और ये भी है कि आंटी से मेरी अभी जस्ट बात हुई तो उन्होंने बोला कि वो बहुत ही प्रिकॉशंस के साथ है ना वेजिटेबल्स को वॉश करके क्लीन करके नीट क्लीन एंड हाइजेनिक सब क्लियर रहेगा. हाँ और जो लोगों ने इनसे ऑर्डर किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ ये वीडियो को और शेयर करें और हमें दक्षा आंटी को बहुत फेमस बनाना है और सबको अपॉर्चुनिटी देनी है कि वो उनके हाथ का खाना खाए. तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक ज़रूर करना और शेयर करना और कमेंट करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. और वीडियो के एंडिंग में आपको कॉन्टैक्ट नंबर और थोड़ी सी लिस्ट भी दे देंगे. मैं ये भी बता दूं कि वो सिंपल टिफ़िन भी देते हैं जिसमें दाल चावल रोटी सब्जी सलाड रहता है 160 rupees पर टिफिन कर. यस और उसमें पर पेट आराम से मिले तो पता है दो जन खा लेते क्योंकि हमने मंगाया था जब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तब एकदम सिंपल खाना मंगाया था लेकिन फिर भी हम लोग ने मैं और ऋषि सिंह हम तीनों ने वो एक टिफिन पूरा पेट भर कर खाया. तो प्लीज़ आप ज़रूर इन्हें सपोर्ट करना मेरे वीडियो को भी सब्सक्राइब करना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग थैंक्स फॉर कमिंग थैंक यू.